people. Come there. What? मैं सब ठीक है हाँ जान जाके सो जाए अम्मा सब ठीक है मैं कुछ नंबर से आप जाए देख लिया आपने मैं कह रहा था ना सब कुछ ठीक है आप जाए से बात करनी नूर उसने तुम्हें कुछ कहा है नूर मेरी बात सुनो कहां जा रही हो तुम अपनी अम्मा के पास चली जाओ मैं उन्हें यहां पे लेके आया तुम प्लीज उनके पास चली जाओ नूर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई नूर वो तुमसे प्यार करता है लड़ता है तुम्हारे लिए सबसे तुमने उस पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया नूर आप कुछ नहीं जानती अम्मा हाँ लेकिन मैं ये जानती हूं कि तुम्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था जो भी है तुम्हें सोचना चाहिए था तुम्हारी तरफ से उसके दिल में फांस आ गई तो क्या होगा क्या होगा मर्द के दिल में आई जरा सी फांस तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है नूर जो हर रिश्ते को काटती चली जाती है हमारे रिश्ते को कोई तलवार नहीं काट सकती रिश्ते की बुनियाद इज्जत पर होती है अगर इज्जत ना रहे तो रिश्ते कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता अम्मा मुझे तो भूख से बुरा हाल हो रहा है दोपहर को खाना खाया था मैंने और अब रात के 2 बज रहे हैं अरे पता होता ना तो वापस ही चले जाते कुछ खा पी तो लेते यहां पर तो खाने से पहले ही तमाशा हो गया वैसे अम्मा वो जो नूर का मियां है तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा करना क्या है बेटा थप्पड़ का जवाब जूते से लेगा है मारेगा औरत को पांव की जूती समझना तो इनके खून में रचा बसा है और फिर ये तो वैसे भी बहुत नक चढ़ा है नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता बड़े लोगों में मुंह लाल कर लिया आप खाना खाओगे हाँ हाँ बहन खाती हूँ मैं तो समझी कि खाना ही खत्म हो गया नहीं नहीं खाना तो बहुत है कल गरीबों में बटेगा हाँ, वो क्या है कि हाकिम अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी ना मैं वहां मसरूफ हो गई वरना भिजवा देती ये क्या आपके यहाँ सारी रात रह जगा होता है नहीं नहीं वो क्या है कि नवाब साहब ने अपने लिए खाना मंगवाया तो जब इतना खाना है कि गरीबों में बटेगा तो उन्होंने खाना क्यों मंगवा लिया इतनी ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे ख्याल में खाना खा लो तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि थोड़ी देर में हमारी मुलाजमा आके बर्तन ले जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ गंदे बर्तन रख के नहीं सोते
अपना मुंह भी धो लिया करे ना। कितना बकवास करती है ये। नहीं आऊंगी। खाना खा लो, बाद में रो लेना। मुझे नहीं खाना। जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही। अच्छा बाहर रहो। प्लीज थोड़ा सा खा लो, फिर वापस आ जाना। खाना ना खाने से कोई मर नहीं जाता। मैं तमीज से कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। थप्पड़ तुमने मारा, नखरे भी दिखा रही हो। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मैं पागल नहीं हूं, लेकिन शायद आपको लगता है कि मैं पागल हूं। मैंने किया क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? आपको नहीं पता? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस तरह मनाने आता? क्योंकि आपको तो मैं बिना मनाए ही मिल गई हूं ना। नूर, नूर, तेरे मुंह में अंगारा रखकर बराई लड़कियों के साथ रक्स करके कितने सुकून में सो रहा है ये। और एक वो साहिर है जो पूरी रात तेरी फिक्र में जागता रहा है। ये जो अंग्रेजों के साथ रहकर आए होते हैं ना, वो बड़े अनापरस्त होते हैं, उन्हें दूसरों के दुख दर्द समझ में नहीं आते। इसे क्या देख रही है? मैं तो कहती हूँ तलाक ले ले इसे और साहिर के पास वापस चली जा। अरे वो जैसा भी है इससे तो अच्छा है तुम ही नहीं पागल है। अरे जिसने तेरी जबान चली कर दी तूने उसी से शादी कर ली। इसके उठने का इंतजार मत कर, चल मेरे साथ, साहिर को तुझसे बात करनी है। चल, अरे चली चल। तेरी सास कह रही थी कि ये एक तमाचे के बदले में तुझे सूली पे चढ़ा देगा, चल उठ। अरे चल मेरे साथ, मैं कह रही हूँ चल ना, चल चल। जो आपके साथ नहीं जाना चाह रही तो जबरदस्ती क्यों कर रही है? अरे बेटा मैं तो ये कह रही थी कि बस वो नूर सही है ना तेरी तबीयत, वो दरवाजा नॉक कर रही थी तो तूने खोला नहीं तो मैं वो बेटा मैं बाहर निकला इसे। अरे मेरी बच्ची है नूर, मेरी बेटी है, उससे बात तो बाहर निकला। सो जाओ। समरा बीबी, आपको हाकिम खातून बुला रही हैं। हाकिम दादी आपने बुलाया? हाँ बेटा। जी बोले। बेटा ये बताओ हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था?
जी नहीं नहीं, तुम मुझे ये बताओ, हमने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए बुलाया था? नहीं तो? तो सबका तमाशा देखने के लिए बुलाया था। क्या हो गया हाकिम दादी, आप तो नाराज ही हो गई हैं। तो क्या तुम्हें जारून के साथ बेहुदा रक्स करते देखकर तुम्हारी बलाएं हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से घर में क्या तूफान उठ खड़ा हुआ है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी हरकत की वजह से रात को जो तूफान उठा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम ये रक्स करती न ये सब होता। लेकिन मैंने ये सब कुछ साहिर जी के कहने पे किया था। साहिर के कहने पर? अरे उसके कहने पर चलने से पहले मुझे तो बताया होता। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो सारी रात नहीं सोया, और अभी तुम्हें पता वो कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हें इस शैतानी फौज से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। मैं देखती हूँ इनको जाकर। उसे देखने से पहले खुद को देखो। खुद को? हाँ, जाकर अपना हुलिया ठीक करो और अभी की अभी साहिर को लेकर कहीं बाहर चली जाओ। अभी? हाँ अभी, नूर के कमरे के बाहर आने से पहले। जी हाँ किलो। उसे इस लुटी पुटी हालत में देखेगा तो फिर हंगामा करेगा। इससे इसका हाल तो पूछ लो, सारी रात नहीं सोया वो। अम्मा क्या हाल पूछूं, फिर वही बात कहेगा जो रात को कह रहा था, उस लड़की को बचा लो, उस लड़की को बचा लो। जारून ने दुश्मनी भी खैर से खुल कर की है। अगर मुझे दुश्मनी करनी होती ना तो मैं खुल के करता, आपकी तरह शुगर कोटेड नहीं हूं मैं। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी कर, जब भी तो अपने दोस्त के घर वो अंग्रेज लड़की ठहराई हुई है ना? अम्मा खैर है, ये क्या हो गया आपको? क्यों जारून बेटा, मैं ठीक कह रही हूं ना? नूर तुम्हें दानिश के साथ वहीं से ढूंढ कर लाई थी ना? ये मेरे साथी मांग रहा है। अम्मा जारून बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको उसके जाती मामलात में हरगिज दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस पूछ रही थी। अगर पूछना है तो अपने घर के लोगों से पूछें, आए हुए मेहमानों से पूछें, उन्हें तमीज सिखाएं। कौन से मेहमान, किसकी बात कर? आपका बेटा जिस औरत को इस घर में लेकर आया है वो औरत मेरे बेडरूम में घुसी चली आ रही है। उसे किसी ने तमीज नहीं सिखाया कि किसी के रूम में मुंह उठा के घुसते नहीं है। नूर की माँ की बात कर रहा है। नूर की? मैं तो पहले से ही उसको उस घर में रखने के खिलाफ था। गालिबन तुमने हामी भरी थी बेटा। अब मैं ही कह रहा हूँ, और उसे कहें कि अपनी हद में रहे, जिसके साथ उसका ताल्लुक है उसके साथ ही रखे। हमसे नहीं समझाई जाती है हदें वदें, ना हमने तुम्हें उसकी मंगेतर के साथ रक्स करने से रोका, और ना हम उसके किसी मेहमान को किसी के कमरे में आने जाने से रोक सकते। अम्मा अगर रोक नहीं सकती तो फिर निकाल दे घर से बाहर। हम क्यों निकालें, जिसकी सास है वो निकाले। बात की आपने नूर से? हाँ की थी। क्या कह रही थी? अरे उस लड़के ने मेरी बात सुनने ही कहां दी उसे, एक आंख खोल कर सोता है कमबख्त। मैं उसे बात कर ही रही थी कि सोते से उठ खड़ा हुआ और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने नूर को मारा तो नहीं? अरे बेटा मुझे क्या खबर, उस गूंगी के मुंह में तो जबान ही नहीं है जो आवाज आती। अब देखो ना, उसके मुंह में जबान होती है ना तो वो सबको बताती कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जाएं और पता करके आएं कि नूर ठीक है कि नहीं। अभी जाती हूँ उधर और सारी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। तब तक तुम बेटा मेरा एक काम कर दोगे? कैसा काम? वो क्या है कि सलमा की इस घर में किसी से वाकफियत नहीं है ना, और उसे फिल्में देखने की भी बहुत आदत है। तो मैं तुमसे कह रही थी कि उसे एक वो वाला कंप्यूटर ला दो जो गोद में रख के फिल्में विल्में देखते हैं ना, जिससे वो। अरे बेटा मैं खुद चली जाती, मगर क्या है ना मुझे नूर को मनाना भी तो है ना।
आती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मा कुछ पता है उन्हें? कुछ भी तो नहीं पता। आपको मेरी अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरी अम्मा है। तुम्हारी अम्मा मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आई थी। वो मुझसे बात करने आई थी। हाँ, साहिर की पपेट बनकर। तो आपके लिए मैं भी तो एक पपेट ही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का?